हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी, मैंने धोए थे कल कपड़े और मेरा सारा दिन जो है अब उसे समेटने में निकल जाएगा। ये देखें स्नोरिया क्या लाई, मैं मैंगो जूस लाई हूँ। और ये देखें यहाँ सब बिखरे हुए हैं, यहाँ बस मैंने अभी समेट के रखे हैं और साथ साथ मुझे कबर्ड भी सही करनी है तो फिर ये रखूँगी। धोने से ज़्यादा मेरा टाइम जो है ना वो समेटने में लग जाता है। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया, पहले मैं समेटूंगी सारा फिर मैं खाना बनाऊंगी। और ये ग्लास अभी टूट जाता है, पी के तो वहीं पे बर्तन रख देती हो तुम लोग, मेरे पर्स में से क्यों घुस रही हो। इसमें नहीं है पैसे, सारा दिन बस यही होता है, पहले उठते नहीं हैं, उठते हैं तो फिर कभी इधर बर्तन कभी उधर बर्तन। नाश्ता तो इस लड़की ने करना नहीं होता और तंग जो है वो ज़्यादा। हाँ, अब इसे पैसे चाहिए, नहीं है इसमें बैग में पैसे, इस वाले में। तुम लोगों की वजह से ही नहीं अब रखती मैं, नहीं घर पे है जूस, इधर बनाए अभी बनाऊँगी मैं जब खाना बनाऊँगी। हाँ भूख लगी, जब नाश्ता नहीं करती तो भूख का नाम नहीं लिया। नहीं बस कभी कोई जूस आता है खाओ, अच्छा नहीं लगा तो फिर ना। तो अच्छा नहीं लगता, इतना गंदा फोस्टिना ने जूस बनाया है। हाँ ना, तो चलिए और जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म करूं, फिर मुझे भी खाना भी बनाना है। और दोपहर के जो है वो 2 बज चुके हैं तो अभी खाना खाना शुरू हो जाएगा। जितना भी लेट नाश्ता करें लेकिन खाना इनको फिर भी जल्दी चाहिए होता है दोपहर का। तो भाई यहाँ सारे काम वगैरह मैंने ख़त्म कर लिए हैं, साफ़ सफ़ाई कर ली है, अब जो है वो मैं खाना बनाने लगी हूँ। और मैं बनाने लगी हूँ बीफ की कढ़ाई, जो कि किसी ने मुझे भेजा और बोला बना के दें, ये हमारे घर के लिए नहीं है, ये किसी की है। और अभी मैं बनाती हूँ, चले आए बनाते हैं हम लोग मिल के। और यहाँ मैंने बीफ को जो है वो बॉईल करना रख दिया है, ये देखें, ये मैंने काफ़ी देर से रखा हुआ था, तब तक मैंने कहा मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, अब काम ख़त्म हुए तो अब मैं इसे बना लूँ। 2 मरतबा मुझे उनकी कॉल आ चुकी है कि भाई हमारा खाना बन गया है, तो मैंने उनको बोला अभी नहीं बना, तो मैं जल्दी से बना के उनको भेज लूँ जिनका है। तो यहाँ जी मैंने सबसे पहले जो है वो टमाटर डाले हैं, क्योंकि अभी आजकल के टमाटर बहुत ही बुरे हैं, नरम ही नहीं होते, जितना भी इनको नरम करने की कोशिश करो। पहले ऐसे होता था कि टमाटर डालो और ऊपर से ढक दो तो वो स्टीम से ही नरम हो जाते हैं। तो आप ये यहाँ कढ़ाई देख रहे हैं, ये हमारी नहीं, ये भी उन्हीं की है जिन्होंने मुझे बनाने के लिए भेजा है खाना। तो यहाँ जीरे मसाले जो हैं वो डालने लगी, मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक होता है तो फिर वो बहुत तेज़ हो जाता है। तो फिर इसे थोड़ा सा मैं इसकी भुनाई कर दूँ तो फिर उसमें मैं जो है वो गोश्त ऐड करूँगी। तो ये जो है ना ये बकरे के गोश्त की कढ़ाई है, और सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का,
और अपना अपना तरीका। तो यहाँ मैंने इसमें दही भी ऐड कर ली है। अब मैं इसे दही में अच्छे से जो है वो फ्राई कर लूँगी ताकि ये मसाला जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसके बाद थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी मैं। तो बस कढ़ाई मेरी जो है वो रेडी हो चुकी है और ये मैंने हरी मिर्चें और धनिया जो है वो कटिंग करके रखा हुआ है और साथ में जो है वो कोयला गर्म होने के लिए रख दिया। तो जैसे ये हो जाता है तो फिर मैं कढ़ाई में जब तक कोयले की भाप ना हो उसका टेस्ट नहीं आता। वैसे मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, आपने बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा कि मैं अक्सर ही खानों में जो है वो ये करती हूँ। तो यहाँ देखें मेरी कढ़ाई कितनी खूबसूरत लग रही है। ये कढ़ाई नहीं, ये जो इसके अंदर है। वैसे आपके पास अगर कुछ भी नहीं है जिस पे ये रखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कढ़ाई अच्छी बनाई क्या? शक्ल भी अच्छी लग रही है और खुशबू कितनी आ रही है। और देख के लेके जाना भाई, ठीक है? चलो आ रही है भाई, दिल कर ले खाने को। नहीं, ये दिल नहीं करना चाहिए, ये किसी की है। स्नोली भी आ गई है पीछे 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 पीछे। सांभळी बाबा, सांभळी अम्मा। सो व्यूअर्स, यहाँ मैंने जो है वो इस वक्त ढक के रख दिया कोयले के साथ, ये आप देख सकते हैं। तो अभी जो है वो मैं अपने घर का खाना बना लूँ। तो मैं बना रही हूँ आज चावल। उस्टीना को इतनी भूख लग रही थी, नाश्ता ये करती नहीं है, और अभी जो ये है ना यहाँ किचन में बैठ के खाना खा रही है, तो इंतज़ार नहीं हो रहा इससे। तो अभी यहाँ मैं अपने घर का खाना बनाने लगी हूँ और मैं ये कढ़ाई जो है वो अरीना के हाथ भिजवाने लगी थी जिनकी है। तो चलो आप देखिए, और गरम है बिल्कुल, एहतियात से पकड़ लिया आप, ठीक है? ये मुझे पकड़ो। तो चलो एहतियात से लेके जाना, अच्छा, और आराम से सीढ़ी पे चढ़ना। तो भाई अरीना जो है उनकी कढ़ाई दे आई है, काफ़ी ऊपर तक जाना पड़ता है, उनका जो फ्लोर है ना वो काफ़ी ऊपर है। तो बस मुझे यही डर था कहीं ऊपर ना गिरा लें, गर्म इतनी है। तो दे आई हैं वो, तो अब बस मैं अपना खाना बना रही हूँ। बच्चों, मेरे को भूख लग रही है, वो बार बार मम्मा भूख लग रही है। और भाई जिनकी कढ़ाई थी मैंने भेज दी है। और यहाँ बिल्ली देखे, ये देखे, ये बैठी हुई है। और ये जब से मैं खाना बना रही हूँ ना, ये यहीं पर बैठी हुई है। लेकिन अब जिनकी थी मैंने दे दी है। तो यहाँ जी सारा खाना वाना बना के काम करके अभी किचन देखे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो अब जो है वो बस अब मैं रेस्ट करूँगी। तो मियाँ जी ने कहा कि मुझे जो है वो चावल नहीं खाने, तो मुझे उनके लिए फिर दाल बनानी पड़ी। तो अभी मैंने बच्चों को पराठे बना के दिए, दाल दी साथ, वो लोग खा के बस निकल गए हैं। तो मैंने कहा चलो अभी किचन नीट करती हूँ। अभी वैसे मेरा झाड़ू लगाने वाला रह गया, तो अभी मैं वो करूँगी, तो उसके बाद मैं भी रेस्ट करूँगी। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।